बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज की रेसिपी उन दोस्तों के लिए है जो रमजान में कुछ अलग और चटपटी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात ये कि बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं हमें चाहिए होंगी और कमाल की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो अगर आप लोगों ने रमजान में कुछ अलग करना है, कुछ चटपटा खाना है, तो ये रेसिपी नंबर वन है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जी, आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा, एक हमारे पास बंद गोभी का फूल है, आप हाफ भी ले सकते हैं। और इसकी सबसे पहले हम करेंगे कटिंग और साथ ही हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे बारीक कट भी कर सकते हैं, मैं इसको इजीली ग्रेट कर रही हूँ। बंद गोभी को यहाँ पे हमने बहुत जबरदस्त सा ग्रेट कर लिया हुआ है, इसे अब हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ये हमारे पास बारीक कट किया हुआ हरा धनिया है, और जी हाफ टेबल स्पून ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें बेसन, अच्छे से बेसन को आप लोगों ने छान लेना है। 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर, इसको क्रिस्पी करने के लिए। 1 टेबल स्पून डालेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्चें। स्पाइसेस में जी जाएगा सबसे पहले 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर और जी 1/2 टीस्पून खुश्क धनिये का पाउडर। स्पाइसेस जो हैं वो आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम एक डो बना लेंगे। मतलब ये कि जिस तरह पकौड़ों का मिक्सचर होता है बिल्कुल हमने उसी तरीके का बना लेना है। बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर या बेसन मजीद ऐड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। पकौड़ों का मिक्सचर हमारा आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त सा तैयार हो चुका हुआ है। और गैस पे रखेंगे हम 1 अदद पैन, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ये बंद गोभी के पकौड़े ऐड करते जाएंगे। बहुत छोटे छोटे साइज के बनाइएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। पकोड़े हमने ऐड कर दिए हुए हैं, गैस का फ्लेम आप लोग यहाँ पे मीडियम रखिएगा और इसको हर साइड से आप लोग कलर दे दीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे और जबरदस्त से इनके ऊपर कलर भी आ जाएगा और ये गल भी जाएंगे अंदर तक। 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका हुआ है। इनको अब हम निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितने जबरदस्त, कितने टेस्टी और कितने शानदार से बन के तैयार हुआ है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं रमजान स्पेशल चटखारेदार रेसिपी जो है वो बन के हो चुकी हुई है तैयार। आप लोगों के घर हो इफ्तारी या फिर आए हो मेहमान, तो इस तरह की जबरदस्त सी रेसिपी को जरूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। बहुत कम टाइम में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।